गुड माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी रिद्धि और कायरा रहती हैं, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है, जिसमें कायरा कहती है कि मैं कैपेबल हूँ बेबी करने के लिए और आप कैपेबल हो मुझे हैंडल करने के लिए, और अगर आप मेरी लाइफ में नहीं रहोगे ना तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। और दूसरी चीज़, अगर आप बेबी कंजीव करते हो और आप करते हो तो मैं आपका ध्यान नहीं रख सकती हूँ, जिस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा सोचती रिद्धि भी है। और रिद्धि को भी ऐसा लगता है कि वो इतनी कैपेबल नहीं है कि शायद वो बेबी को कर सके, क्योंकि मदरहुड उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंट चीज़ें हैं, क्योंकि उसने अपनी मॉम को भी खोया था। तो उसकी कुछ यादें या कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से शायद वो कंजीव करेगी तो वो इतने अच्छे से बेबी को नहीं दे पाएगी। अगर उसको टेंशन रहेगा तो बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए वो कायरा से एग्री करती है और कायरा के साथ बोलती है कि ठीक है, आप कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है और मैं आपका ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। और जिस बात पे रिद्धि को तो जिस बात पे कायरा को तो कभी कोई टेंशन थी नहीं, क्योंकि रिद्धि ऑलवेज उसके पास है और ध्यान रखने के लिए। यहाँ पे रश्मि जिया भी रहते हैं, जिसमें रश्मि को भी पता रहता है कि उसकी जिया उसका ख्याल तो रख सकती है लेकिन वो भी कंजीव नहीं कर सकती है। तो ये लोग के बीच में जब पूरा डिसाइडेड हो जाता है, ये लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं और टेस्ट होने के बाद उसकी रिपोर्ट आनी रहती है, तो नेक्स्ट डे आती है, तब उसके आगे देखते हैं। वहाँ से ये लोग हॉस्पिटल से ये लोग सबसे पहले चले जाते हैं, घर पे जाते हैं तो जो रिद्धि रहती है वो बोलती है कायरा आपको भूख लग रही है, तो कहती है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, उन्होंने मेरा ब्लड बहुत सारा लिया था ना, तो मैं ना थोड़ा ठीक फील नहीं हो रहा है। तो जिया पूछते रश्मि तुम्हारा बीपी वगैरह लो तो नहीं हो रहा है, कहती हाँ थोड़ा तो लो होता ही है, वो सही कह रही है कायरा, कुछ फील ढंग से नहीं हो रहा है। तो ये लोग वो लोग वहाँ से हॉस्पिटल से लेते हुए इनको रेस्टोरेंट पे लेके जाते हैं, वहाँ पर इनको कॉफ़ी पिलाते हैं। कॉफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेबल रहती है क्योंकि कॉफ़ी से कहीं ना कहीं आपका शुगर लो होता है या बीपी या फिर आपका क्या बोलते हैं शुगर लो होता है, तो आप कॉफ़ी पीते हो तो काफ़ी बेटर फील करते हो, तो वो उसी को वो चीज़ पिलाते हैं तो वो थोड़ा काफ़ी बेटर फील कर रहे थे। फिर ये लोग वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर करते हैं, तो खाना पीना खाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर जो कायरा रहती है वो बोलती है कि रिद्धि मैं सोच रही हूँ मैं रिज़ाइन कर दूँ, तो तभी जिया पूछती है क्यों भाभी जी कहाँ से रिज़ाइन करना है आपको, तो कहती है कि अरे वो मैं सोच रही थी कि जिया मैम मुझसे अब हैंडल नहीं होता है ऑफिस का, वो सब स्ट्रेस ऑफिस में को ना बिल्कुल मन नहीं करता उस ऑफिस में जाने का, मैं थक गई हूँ, अब मेरा मन है कि मैं एक बार रिज़ाइन कर दूँ। तो रश्मि कहती है वो एक बार रिज़ाइन नहीं होता है, रिज़ाइन नहीं होता है, तुम बार बार रिज़ाइन नहीं कर सकती हो, एक बार जो डिसीजन लोगी वही चीज़ होगी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा रुको, देखो अभी तुम जो काम कर रही हो वो कंटिन्यू करो, ऐसे मत छोड़ो, थोड़ा 1 महीने या 1.5 महीने और कर लो आराम से, क्योंकि तुम्हारा कम से कम 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे और 6 मंथ्स की भी वैल्यू रहती है, वरना फिर 4 महीने का ना कोई एक्सपीरियंस काउंट भी नहीं होता है, तो कम से कम 6 महीने कर लो, 1 महीना और बचा है ना तुम्हारा, मतलब अभी ये तुम्हारा 5th मंथ तो चल ही रहा है, तो 1 महीना और एक्सटेंड कर लो बस, इसी ड्यूरेशन में तुम्हें कोई टेंशन लेके काम नहीं करना है, जस्ट ओके तुम बस करोगी, ऐसा नहीं है कि तुम्हें मर मर के काम करना या करना है। तो रिद्धि बोलती है कि यार उसका मन कर रहा है तो रिज़ाइन दे देते हैं, तो कहती है बात वो नहीं है रिद्धि, मैं चाहती हूँ कि कायरा बिल्कुल फ्री माइंडेड रहे, बट यार उसको थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका करियर की बात है उसको एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिली है, उसका कैंपस सिलेक्शन हुआ है, अगर वो 6 मंथ्स के बाद हम उसका एक्सक्यूज़ ये बता सकते हैं ना कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी इस वजह से उसको स्ट्रेस लेवल हैंडल नहीं हो रहा था, तो आगे जाके उसका करियर का कोई इशू भी नहीं होगा, क्योंकि यार एक प्रेग्नेंट लेडी को तो लॉ भी फोर्सफुली नहीं कर सकता है आप, जबकि जब लॉ आपको खुद को मैटरनिटी लीव देता है तो उस हिसाब से कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता, और वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में थी, उसको 9 मंथ्स की छुट्टी नहीं मिल रही थी इसलिए उसने लीव कर दिया, और तब तक तो वो कंजीव भी कर लेगी और एक वैलिड रीज़न देकर वो वहाँ से निकलेगी, तो काफ़ी चीज़ें बेटर होगी, मैं ये कह रही हूँ। तो रिद्धि भी सोचती है इस बारे में और कहती है कि हाँ कायरा सिर्फ 1 मंथ और एक्सटेंड कर लो, वो सही कह रही है रश्मि, थोड़ा हो जाएगा उसके बाद तुम छोड़ देना,
तो कहती है ठीक है मैं कर लूंगी, इतना भी कोई इशू नहीं है। तो कहती है हाँ, बस एक मंथ की बात है, बाकी तो उसके बाद सब कुछ जैसा तुम्हें चाहिए, आराम से घर पे रहो, जैसा ठीक लगे वैसा करना। तो कहती है ठीक है, कोई इतना भी इशू नहीं है, मैं कर सकती हूँ। तो कहती है ओके थैंक यू। तो यहाँ पे ये लोग काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के बात करते हैं। चीज़ें ऐसी रहती है कि भले कोई भी इंसान आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर चारों दोस्त लोग अपनी लाइफ के ना सिर्फ मुद्दों को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, इंडिविजुअली पर्सन और इंडिविजुअली पर्सन की वैल्यूज़ को भी इम्पोर्टेंस देते थे। देखा जाए तो रिद्धि चाहती तो कायरा को कह सकती है कि यार तुम बेबी कर रही हो, अब तुम कर दो, हमारे लिए बेबी इम्पोर्टेंट है। बट ऑल थ्रो रश्मि, जिया हो गई, सबके सब कायरा को अगर भाभी बोलते हैं, कायरा उनके लिए एक फैमिली मेम्बर है, तो उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ को भी इन लोगों ने ध्यान में रखा है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें ये करना है तो तुम यही करो, हमें तुम्हारे करियर तुम्हारी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। जबकि फैमिली मीन्स होता है इंडिविजुअल की भी लाइफ स्टाइल को भी इम्पोर्टेंस देना। और एक फैमिली हैप्पी फैमिली तब कहलाती है जब हम मिलकर डिसीजन लें और साथ ही साथ हम इंडिविजुअल को भी प्रायोरिटीज दें। हमारे लिए इंडिविजुअल्स की खुद की भी प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमने जो डिसीजन ले लिया अब अंदर से वो इंसान खुश है या नहीं है, बस तुम करो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी जो उनकी फैमिली में सब लेकर चलते थे। इवन उनके जो एल्डर्स थे, लाइक रश्मि के जो मम्मी पापा होते थे वो भी समझते थे, जिया के मम्मी पापा, रिद्धि के मम्मी पापा भी, और कायरा के मॉम डैड भी सब समझते थे। अब उसके आगे तो यहाँ से जब ये लोग पूरा पूरा लंच कर लेते हैं और लंच करके फिर ये लोग जाते हैं, तो जाते टाइम जो रश्मि और जो जो हमारी कायरा रहते हैं, ये थोड़ा सा तो इनको थोड़ा सा वीकनेस फील होता है, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं वो नॉर्मल टेस्ट नहीं होते, वो थोड़े हैवी टेस्ट होते हैं, जिस टेस्ट को आपने कभी किया भी नहीं होगा और सडनली से आपकी बॉडी से वो सारी चीज़ों का टेस्ट हो, तो थोड़ा तो आपकी बॉडी वो यूज टू नहीं रहती, तो थोड़ी वीकनेस आ जाती है। तो रिद्धि भी बहुत अच्छे से समझती है कायरा की उस कंडीशंस को, वो आराम से सुलाती है उसे और वो उसे बोलती है कि आप सो जाओ। और रिद्धि वहाँ नीचे जाती है अपने किचन में, पापा के लिए खाना बनाती है, सबके लिए खाना बनाती है, और आज रिद्धि पूरी कुकिंग कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो जिया रहती है वो भी रश्मि को आराम से सुला देती है, उसके चीज़ों का ध्यान रखती है कि आप सो जाओ आराम से, और जिया वहाँ पर जाके काम करती है। जिया जब ये सब चीज़ें कर रही रहती है तो उसे फ़ोन कॉल आता है, वो उसकी मॉम का होता है और उसके डैड का होता है, वो दोनों उससे बात कर रहे रहते हैं, मीन्स मॉम एंड डैड ने स्पीकर पे रखा रहता है, दोनों बोल रहे थे। तभी उसके पापा बोलते हैं, और मेरी चैम्प ये बताओ कि तुम अपने पापा को पार्टी देने के लिए बोला था, तुमने 5-स्टार होटल में पार्टी दोगी और अब तुम तो गायब ही हो गई हो। तो कहती है हाँ पापा, अरे ले लेना ना, उसमें क्या पार्टी है, आप जब दादा बन जाओगे तब ले लेना। तो कहते ओ दादा बनाओगी तुम मुझे, क्या सोचा है तुमने, अडॉप्शन का पेपर का क्या हुआ। तो कहती है पापा वो रिजेक्ट हो गए थे, तो अब रश्मि चाहती है कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी करे, तो रश्मि चाहती है और तुम नहीं चाहती क्या। उसके पापा बहुत कूल रहते हैं, तो बहुत अच्छे से उसकी टांग खिंचाई करते हुए बोलते हैं। तो कहती नहीं नहीं पापा मैं चाहती हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है देखो तुम तो बेबी को कैरी मत करना, तुम उसका ख्याल नहीं कर सकती हो, मेरी बहू ही अच्छे से रख पाएगी ख्याल, तुम तो रखना ही मत वरना तो पागल हो जाओ, पागल हो जाऊंगी मैं ये सुनकर। तो तभी जिया कहती क्या मम्मी आपको मुझ पे तभी भरोसा नहीं है। कहती इस चीज़ पे तो बिल्कुल भी नहीं है, और तुम ये सोच रही हो कि तुम भरोसा दिलाओगी तो ऐसे भी काम मत करना, हमारी रश्मि ही ये काम करे और उसके लिए जो चीज़ें हैं वो सब हम करेंगे, तुम तो कुछ मत करना। तो कहती है अगर मम्मा इतना ही बोल रही हो तो आ जाओ ना यहाँ पर, आपकी आपकी जो बहू है वो सो रही है, खाना मुझे बनाना पड़ रहा है, तो आप आकर बना दो। तभी उसके पापा कहते हैं ओ मैंने तुझे क्या कहा था, भूल गई हो क्या। तो वो बोलती क्या पापा क्या कहा था आपने। कहता कि भाई बीवी को अगर अच्छी मैरिड लाइफ चाहिए तो हमेशा से अपनी बीवी को खुश रखो, वो जो बोले उसकी हाँ में हाँ करो और लाइफ बहुत खुशहाल होती है। तो अब तुम्हें खाना बनाना सीखना पड़ेगा और ये जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होगा तब तुम्हें हर एक चीज़ करनी पड़ेगी। पता है जब तुम पेट में थी तब तुम्हारी मम्मी को मैं किचन में जाने तक नहीं देता था, मैं पूरा खाना बनाता था,
और वो चीज़ अब तुम्हारे अंदर भी आनी चाहिए। तभी वो धीरे से अपने मम्मी की तरफ बोलती है, मम्मी पापा से वैसे मुझे मेरी पुलिंग का फ्लैग कर रही है, सच्ची में वो पूरा आपका ध्यान रखते थे। तभी उसकी मम्मी कहती है कि वो ध्यान रखते थे, हालांकि उस समय पे तुम्हारी दादी भी थी, दादी भी बहुत ख्याल रखती थी, ऐसा नहीं था, दादी खाना बनाती थी और ये उनकी मदद ज़रूर करते थे, लेकर जाते थे खाना के लिए, क्योंकि अभी ऐसा हो जाता था कि नौशिया हो जाता है जब प्रेग्नेंट होते हो आप, तो आपको स्मेल हैंडल नहीं होती है, नौशिया होने लगता है कि आप नॉर्मल स्मेल हैंडल नहीं कर पाते, तो उस ड्यूरेशन में ऐसी चीज़ें रहती हैं कि आप थोड़ा सा किचन के साइड या कोई स्मेल हैंडल नहीं कर पाते, तो उस ड्यूरेशन में आपको थोड़ा सा रहना चाहिए। तो वो कहती है ओके मॉम मैं ध्यान रखूंगी, तो कहती है हाँ तो तुम्हें रखना पड़ेगा, और खाना पीना की चीज़ें हैं वो तो तुम्हें अब रखनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। तो कहती है ओके मम्मा मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा मैं खाना बना रही थी तो, और वो बोलती है कि सुनो प्रेगनेंसी के टाइम पर जब रश्मि कंसीव कर ले तो याद रखना कुछ भी गर्म खाना नहीं खिलाना है उसको, पता चला तुम गर्म गर्म खाना खिला रही हो, तो कहती गर्म खाना ही तो खिलाते। तो उसके पापा कहते ओ बेवकूफ इंसान तुझे प्रोफेसर किसने बना दिया, तो कहते पापा वो मैंने खुद बनी हूँ मैं, तो कहते अरे पागल इंसान गर्म मतलब होता है गर्म चीजें, लाइक कि जैसे पपीता गर्म होता है वो नहीं खिलाना है, उससे बेबी नहीं हो पाएगा चीजें, ठीक है। तो ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जो नहीं खिलाने, तुम्हारी मम्मी तुम्हें लिस्ट बता देगी पर तुम ध्यान रखना, और साथ ही साथ तुम सुनो ना, तुम रिद्धि को भी ये सारी बातें बता देना। तो वो कहती कि हाँ मैं रिद्धि को भी बता दूंगी। तो उसके पापा भी रिद्धि से बहुत प्यार करते थे, रिद्धि भी उनके लिए उनकी खुद की बेटी थी, तो रिद्धि हो गया, रश्मि जिया हो गया, सब मतलब फैमिली मेम्बर्स है, अगर एक को बताएंगे तो दूसरे को डेफिनेटली फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर एक बेटी नहीं है, उनकी ऑलरेडी दो बेटी है जिसका नाम रश्मि और रिद्धि दोनों हैं, तो सब बहुत फैमिली मेम्बर्स हैं और गुजराती हैं, दोनों सबके बीच में बहुत प्यार रहता है। तो कहती है अच्छा ठीक है मम्मा मैं फ़ोन रखती हूँ, खाना खाती हूँ। यहाँ पर जो कायरा रहती है वो अपने पापा से बात कर रही रहती है, और जो जो रिद्धि रहती है वो अपने पापा से बात कर रही रहती है, और कायरा सो रही रहती है। तभी उसके पापा बोलते हैं वो ठीक है ना, तो कहती है हाँ, तो तुम कंसीव करने गई थी तो तुम्हारे टेस्ट होने चाहिए थे। तभी वो अपने पापा को बताती है कि नहीं कायरा चाहती है कि वो प्रेग्नेंट हो, और वो यही कह रही थी, और वो सारी चीज़ें बताती है अपने पापा को कि जैसे कि उन्होंने ये सोचा था कि मैं होंगी तो ये इश्यूज होंगे, वो सब कुछ बताती है जो कन्वर्सेशन कायरा और रिद्धि के बीच में हुई रहती है। तो उसके पापा भी एग्री करते हैं कि कायरा ने जो बोला है उस पर मैं एग्री तो डेफिनेटली करता हूँ, और ठीक है। तो अभी कायरा ठीक है ना बेटा, उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, वो थोड़ा सा वो भी बच्ची है और तुम्हारे प्यार की सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए रहेगी, और ये जो प्रेगनेंसी का जो मैटर होता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसमें ना सबसे ज़्यादा अगर अपने पार्टनर से केयरिंग और अपने पार्टनर का सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए रहता है। तो वो कहती है कि हाँ पापा मैं ध्यान रखूँगी हर एक चीज़ का। तो ये लोग यहाँ से कर लेते हैं, थोड़ी देर में जो कायरा रहती है वो ऊपर ही रहती है, तो रिद्धि जाती है, दीदी बहुत अच्छे से जाती है और उसके लिए दाल खिचड़ी जो उसने बनाई रहती है, थोड़ा सा लाइट ही खाना बनाती है दाल खिचड़ी, और वहाँ पर जब कायरा सो रही रहती है तो धीरे से कायरा को उठाती है और बोलती है बेबी उठो, तो वो कहती है कि हाँ दीदी आप मुझे उठा रहे, तो कहती है हाँ उठो उठो बेटा, तो वो उसे उठाती है, आराम से उसे टिकाती है, बैठ के वहाँ बिठाती है और अपने हाथों से दाल खिचड़ी खिला रही रहती है। रिद्धि जब इतने अच्छे से दाल खिचड़ी कायरा को खिलाती है तो कायरा की तो ऐसी फीलिंग्स होती है कि वाओ इट्स सो लवली, मतलब इतना प्यारा ख्याल रखना, हर एक एक चीज़ रखना, बोलते ना कि पार्टनर से आपको सबसे ज़्यादा अगर कुछ चाहिए रहता है तो प्यार और सपोर्ट चाहिए रहता है, और अगर आपको वो मिलता है तो आप दुनिया के सबसे लकीस्ट इंसान होते हो, भले आपके पास कितनी भी दौलत शौहरत हो वो मैटर नहीं करती है, लेकिन आपका वक्त आपके पार्टनर का अगर आपको मिल रहा है तो वो सबसे क्यूट होता है मोमेंट। तो
तो वही होता है कि कायरा बहुत ज़्यादा खुश रहती है और चीज़ें हो जाती है। तो ऐसे ही 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और जो रिपोर्ट्स आई रहती है वो भी पॉजिटिव आई रहती है। मीन्स पॉजिटिव इन सेंस कि उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं लगते हैं और वहाँ की जो बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट होती है वो ये कहती है कि हमें तो हर चीज़ सही लग रही है और मैंने पूरा टेस्ट किया है, एवरीथिंग इज़ नाइस, आप चल सकते हो, तो आप प्रोसीड कर सकते हो। तो करीब 1 वीक के बाद ये दोनों के दोनों जाते हैं मतलब दोनों फैमिली को कंपेयर कर रही हूँ, दोनों फैमिलीज जाते हैं। यहाँ पे कायरा रिद्धि जाती है और यहाँ पे रश्मि और जिया जाते हैं। तो दोनों वहाँ पर जाते हैं डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर्स बोलता है कि देखो यहाँ पे दो प्रोसीजर्स होते हैं, एक होता है IUI और एक होता है IVF, आप बताओ कि आप में से कौन सा प्रोसीजर करना चाहोगे। तो तभी वहाँ की जो जिया रहती है मतलब सॉरी वहाँ पे जो जिया रहती है वो एकदम से पूछती है मैम हम लोग कोई बायोलॉजिकल स्टूडेंट नहीं है और ना बायोलॉजिकल प्रोफेसर है, हमें इसमें बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता है, तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि ये दोनों होता क्या है। तो वो कहते हैं कि देखो IVF होता है कि जहाँ पर लेडी का एग जो होता है उसको बाहर निकाला जाता है, उसको फर्टिलाइज किया जाता है और फिर इंसर्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी पे, मतलब जो भी फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर होता है वो बाहर किया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है। और IUI एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन किया जाता है वो अंदर द बॉडी किया जाता है, तो जहाँ पर आपकी पार्टनर का एग आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर जाके फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो वो कहती है, तो तभी जो कायरा होती है वो कहती है तो मैम IUI करते हैं ना, आप बाहर निकाल के फर्टिलाइजेशन क्यों कर रहे हो, अगर मतलब पहले ये कर लेते हैं, अगर ये फेल होगा या कुछ होगा तो फिर देखते हैं। तो कहते हैं हाँ इसमें एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट तो मान के हम ही चलते हैं, हम एज अ डॉक्टर्स हम भी कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो लगभग फेल ही होता है, इसके हम 3 अटेम्प्ट करते हैं। पहला अटेम्प्ट तो हम यही मान के चलते कि हमें भी नहीं पता रहता है कि वो कितना सक्सेसफुल होगा, सेकेंड जो अटैम्प्ट होता है उसमें तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, अगर नहीं होता है तो थर्ड अटैम्प्ट, लेकिन अगर ये तीनों अटैम्प्ट नहीं हो पाते हैं तो फोर्थ हम IVF करेंगे। एंड गाइज आई जस्ट वॉन्ट टू से समथिंग, तो तभी वो बोलती है कि हाँ इसमें खर्चा बहुत आता है, आप लोग को पता होगा टेस्ट ट्यूब बेबी करना के या जो प्रोसीजर है इसमें मनी मैटर्स बहुत है, तो आप ये मान के चलिए कि आप जब यहाँ पर आए तो पैसे आपके बहुत खर्च होंगे। क्योंकि कायरा रिद्धि जिया रश्मि सब रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, मनी का तो इन लोगों को वैसे भी कोई इशू रहता नहीं है, तो वो लोग कहते हैं कि यस हमें पता है हमें कोई इशू नहीं है और फैमिली रहती है। अब जैसे यहाँ पर तो जिया रश्मि दोनों ही इतने अच्छे प्रोफेसर रहते हैं, कमाते तो ये लोग खुद ही इतना है, यहाँ पे रिद्धि खुद ही इतना ज़्यादा कमाती है बींग अ प्रोफेसर और वो भी गवर्नमेंट जॉब की, बहुत अच्छा कमाती है। और हमारी कायरा की जो जॉब रहती है उसमें भी वो बहुत अच्छा तो कमाती है, उसकी सैलरी पैकेज अच्छा रहता है लेकिन उसे करना नहीं रहता है। लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि वो भी जिस बैकग्राउंड से है, मतलब उसके डैड तो बिजनेसमैन है और अपनी एकलौती बेटी पे कौन खर्च नहीं करना चाहेगा। तो फैमिलीज के लिए मनी उस समय मैटर नहीं करता था, उस समय मैटर करता था उनकी हैप्पीनेस और उनको वो बेबी चाहिए रहता है। तो उस प्रोसीजर के बारे में जब डॉक्टर सब कुछ बता देती है तो ये लोग पहले IUI के लिए जाते हैं, तो फर्स्ट जो अटेम्प्ट होता है IUI होता है, तो IUI जब अटेम्प्ट होता है इसके जब ये फर्स्ट टाइम इंसर्ट किया जाता है तो ये हमारी जो मैच्योरेशन साइकिल के आसपास ही करते हैं ताकि जो पता चल जाए रिजल्ट। तो फर्स्ट टाइम पे जब करते हैं तो दोनों का फेल हो जाता है, क्योंकि जब ये करने गए थे तब उसके 1 वीक के बाद की जब प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है प्रेगा न्यूज ये सब जो किट्स होती है उसे जब चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये लोग प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। फिर जब ये सेकेंड टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है फर्स्ट टाइम तो हो ही ही है तो इस बार हम थोड़े से टेस्ट करके सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करेंगे। तो फिर से उनके कुछ नॉर्मल टेस्ट होते हैं, स्पम्स की क्वालिटीज़ भी अच्छी देखी जाती है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा जाता है, प्रोसीजर बहुत ज़्यादा डीपली होता है। फिर उसके बाद जब ये लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब ये लोग ये प्रोसीजर करने जाते हैं तो उसके 1 वीक के बाद रिजल्ट पता चलता है। तो ये जैसे कि इस सैटरडे को करते हैं
तो इनको वन सैटरडे का गैप वेट करना पड़ता है। जब नेक्स्ट सैटरडे की बात आती है तो उसमें जब इन लोगों को पता चलता है तो वो लोग को पता चलता है कि ये उनकी जो प्रेग्नेंट वो हो चुके हैं। सो नाउ द रिजल्ट इज पॉजिटिव निकलते हैं तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। कायरा भी बहुत खुश होती है कि फाइनली वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। रश्मि भी प्रेग्नेंट होती है और अब इन लोगों का ये रहता है कि अब इनको हर महीने आके टेस्ट करना है। जो नॉर्मल 9 मंथ्स की जो प्रोसीजर्स होता है वो सब फॉलो करने रहते हैं और डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि इनको IVF करने के बदले इनका IUI से ही हो चुका है। दैट इज़ वेरी वेरी गुड और सक्सेसफुल भी होता है। हाँ, अब इस ड्यूरेशन में जो ये जो प्रोसीजर का ड्यूरेशन चलता है, इस ड्यूरेशन में करीब उनको 1 या 1.5 महीने लग ही जाते हैं क्योंकि पहले फेल भी होता है, चीज़ें होती है, तो काफ़ी चीज़ें होती है। अब चलते हैं हम, अब वो लोग प्रेग्नेंट हो चुके हैं। अब उसके आगे तो अब जो रश्मि रहती है वो तो जब प्रेग्नेंट रहती है तो ये कॉलेज भी अटेंड करती थी, वो जाती थी क्योंकि स्टार्टिंग के 1 2 3 मंथ्स तो इतना कुछ पता नहीं चलता है। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक तो हमारी रश्मि ने पूरा का पूरा कॉलेज अटेंड किया और बींग अ प्रोफेसर उसने बहुत अच्छे से पढ़ाया। और लेकिन जब भी वो कॉलेज में रहती थी या वो कोई भी प्रोफेसर लेती थी तो उसमें थोड़ी थोड़ी देर में जो जिया रहती थी उसे आकर जूस प्रोवाइड करती थी, उसके खाने का ध्यान रखती थी और उसे चॉकलेट्स देना, उसकी चीज़ का ध्यान रखना, उसकी जो भी क्रेविनेस होती थी उसे जो हमारी रश्मि रहती थी, जो हमारी जिया रहती थी उसे वो बहुत ध्यान से रखकर फॉलो करती थी क्योंकि उसे पता रहता था कि रश्मि को उसको चिड़चिड़ा और गुस्सा नहीं दिलाना है। तो इसलिए बहुत केयरिंग नेचर था, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर था। अगर आप जिया का चीज़ें देखो कि वो किस तरीके से थोड़ी सी केयरलेस पर्सन थी, वो रश्मि को हमेशा से उसको टीज करना, परेशान करना पसंद था, लेकिन इस ड्यूरेशन में वो इस 3 मंथ्स में वो काफ़ी चेंज हो जाती है और अपनी वाइफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। जो हमारी कायरा थी वो भी घर पे बैठे बैठे बोर ना हो इसलिए वो ऑफिस में तो जाती थी और ऑफिस का वो 3 मंथ्स मतलब उसको जो 6 मंथ्स काम करना था उसके बदले वो 9 मंथ्स काम कर लेती है और वो काफ़ी रिलैक्स होके करती है। पर जो हमारी रिद्धि थी वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। अब जैसे वो तो कॉर्पोरेट ऑफिस में थी तो उस कॉर्पोरेट ऑफिस में कभी भी उसको ऐसा लगता था तो वो एक मैसेज ड्रॉप कर देती थी रिद्धि को कि बेबी मुझे ना बहुत जम के आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है। बस उसका एक मैसेज ड्रॉप करना होता था, यहाँ से स्विगी से या फिर जोमैटो से तुरंत जो खाने की चीज़ें ऑर्डर की जाती थी और थोड़ी देर में कॉर्पोरेट ऑफिस में एक ऑफिस बॉय आता था और वो खाने का कंटेनर लेकर आता था और कहता था कि कायरा मैम ये आपके लिए भेजा गया है। तो देखते थे तो ऑफिस में भी सबको पता था कि कायरा तो प्रेग्नेंट है तो उसकी उसकी ये जो क्रेविनेस है भाई बीइंग अ प्रेग्नेंट होता है। और कॉपरेटिव ऑफिस में अगर आपका कॉपरेटिव ऑफिस अच्छा हो तो आपको ये सब चीज़ें सपोर्ट करते हैं, वो आपकी हर एक चीज़ को ध्यान में रख के काम करने में आपकी मदद करते हैं। तो इस ड्यूरेशन से 9 मंथ्स तो ऑलरेडी कायरा के ऑफिस में हो गए थे और वो काफ़ी खुश भी थी अपने ऑफिस में क्योंकि अब उसका जो बॉस था उसको प्रेशराइज नहीं करता था काम करो करो करो, वो उसे बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल करते थे और बोलते थे जितना बन रहा है कायरा आप कर सकते हो, आप चाहो तो वर्क फ्रॉम होम भी ले सकते हो, चाहे तो आप छुट्टियाँ भी ले सकते हो। तो कायरा जो हर मंथ में 2 दिन तो वो छुट्टी लेती ही थी क्योंकि उसे प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर के पास जाना रहता था, चेकअप कराने रहते थे, सोनोग्राफी होती थी। तो अब जब सोनोग्राफी होती है, इस बार जो कायरा की सोनोग्राफी होने जाती है और उस सोनोग्राफी में वहाँ की जो उनकी गायनोकोलॉजिस्ट है वो बताती है कि यू हैविंग अ ट्विंस। तो ये सुनकर तो कायरा एकदम शॉक हो जाती है और रिद्धि भी उसके साथ रहती है तो रिद्धि बोलती है वी हैविंग अ ट्विंस। तो वो कहती है यस एंड तभी वहाँ से जिया पूछती है मेरी मेरी बीबी की भी ट्विंस है क्या? तो वो कहती है नहीं नहीं आपका तो सिंगल ही है। तो कहती है ओह मेरा सिंगल है यार, रिद्धि यार ये गलत है ना यार, ट्विंस होना चाहिए थे मुझे भी। तो तभी वो जो जिया रहती है वो वहाँ के गायनोकोलॉजिस्ट से बोलती है यार देखो प्रोसीजर सेम था, सब प्रोसीजर, इनके ट्विंस कैसे हैं और मेरा सिंगल कैसा है। तभी वहाँ की गायनेकोलॉजिस्ट बोलती है कि ये हमारे हाथ में नहीं होता है, समटाइम ट्विंस हो जाते हैं समटाइम सिंगल होता है, ये तो यार हम जब प्रोसीजर करते हैं तो कभी कभार हो जाता है, उनका में हो गया अब क्या कर सकते हैं।
वहां पे वो बोलती कोई बात नहीं, तो रश्मि बोलती है तुम एक बच्चे को तो संभाल नहीं सकती हो, क्या दो बच्चों को संभालोगी, नहीं, हम खुश है एक ही बच्चे में और तुम चुप ही रहो। तो कहती यार दो, तो कहती है तो तीन होंगे ना बच्चे, किसने बोला तीन बच्चे नहीं होंगे क्या हमारे। तो रिद्धि भी कहती है ऑफ कोर्स तीन होंगे, वी आर फैमिली और तीन बच्चे होंगे। तो यहाँ पे कायरा, अब कायरा का जो चीजें हो जाती है वो थोड़ा सा टफ हो जाती है रश्मि से, क्योंकि जो रश्मि रहती है उसका एक बेबी रहता है, तो चल जाता है कि ठीक है वोम थोड़ा सा बड़ा दिखता है, लेकिन यहाँ पे कायरा का वोम कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा था क्योंकि उसके दो बेबीज थे और उस ड्यूरेशन में उसे चलने खड़े होने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो जो रिद्धि रहती थी वो उसका साथ देती थी। तो ऐसी करके फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी भी आ जाती है, और इस ड्यूरेशन में फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जब उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, उससे हैंडल नहीं होता है, तो यहाँ पर जो रश्मि की मॉम भी आती है घर पर रश्मि का ख्याल रखने के लिए, और रिद्धि, रिद्धि की तो मॉम आपको पता है नहीं है, लेकिन उसके पापा बड़े सपोर्टिव थे, पापा अपनी बहू का बहुत ख्याल रखते थे। पर इस ड्यूरेशन में जो अंजना आंटी कायरा को अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती है, यहाँ पर तो रिद्धि काफ़ी ज़्यादा अलोन फील करती, क्योंकि अब ऐसा हो गया था कि उसे अपने बच्चे और अपनी वाइफ को देखने की इतनी आदत हो चुकी थी कि अगर वो एक मिनट भी उनसे दूर नहीं रह सकती थी। तो अंजना आंटी तो हमेशा से बोलती थी कि कायरा तो तुम यहीं पर आओ, और अंजना आंटी भी बहुत ध्यान रखती थी, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर था। और जो रिद्धि थी वो भी तो कम से कम आती जाती रहती रहती थी, दिन में तो 3 बार वो तो अपनी बीवी से मिलने प्लस उनके उसके लिए खाना लेकर आना और वो सब चीज़ें देख रही रहती है। यहाँ पर जो रश्मि की मॉम भी रश्मि के साथ आकर फ्लैट में रहती हैं, उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब कायरा का एक टाइम हो जाता है कि उससे अब कुछ करते नहीं बन रहा था, क्योंकि दो बच्चों को कैरी करना और जॉब करना बहुत मुश्किल होता है, तो आखिर अब फिफ्थ ईयर में जब उसका 1 साल ऑफ जॉब का कंप्लीट हो जाता है, उस 1 साल की जॉब में वो रिजाइन कर देती है, वो रिजाइन बहुत अच्छे से कर देती है, और फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी भी उसकी कंप्लीट हो जाती है। और उसके ऑफिस वाले उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें जब भी रीज्वाइन करना हो तो तुम कर सकती हो, पर कायरा तो रीज्वाइन इतना सही से करने वाली तो थी नहीं, क्योंकि एक दो बच्चों की अपब्रिंगिंग करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और यहाँ पे अंजना आंटी, और पता है पूरा घर एकदम खुशियों से भरा हुआ था, खुशियों से भरा था, क्योंकि अंकल ने भी बहुत टाइम के बाद उनके घर में हैप्पीनेस आई थी, मतलब कायरा के पापा मतलब उसके हैप्पीनेस आई थी। अंजना आंटी काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब वो नानी बनने वाली हैं, वो भी दो बच्चों की, तो बहुत ख्याल था। यहाँ पर रिद्धि भी जाती थी, रिद्धि भी कंटिन्यूस रहती थी, तो जाती रहती थी क्योंकि घर तो पास में ही था। वहाँ पर जो हमारी उसके पापा थे मतलब कायरा के ससुर जी, वो भी आते रहते थे उससे मिलने के लिए, और उसके लिए चॉकलेट्स, गिफ्ट, हर एक एक चीज़ लिया जाता था। यहाँ पर जो रिद्धि थी उसने तो अपना जो बेबी का रूम था उसे भी डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारे खिलौने वगैरह, हर एक एक चीज़ ले आई थी जितना जल्दी हो सकता था। सबको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि बच्चे आ रहे हैं, तो चीज़ें थी। यहाँ पर जो जिया थी वो भी अपने घर को बच्चों की चीज़ों से भरना स्टार्ट कर दी थी, तो टॉयस लेने स्टार्ट कर दिए थे, पोस्टर्स तक लग गए थे बच्चों के हर एक चीज़ के लिए। तो जिया की मम्मी भी आती हैं, रश्मि की भी मम्मी आती है, ऑल्टरनेटिव डेज आते हैं उसका ख्याल रखने के लिए। और अब जो रश्मि थी उसको वो तो मैनिटी, वो तो गवर्नमेंट जॉब पर थी तो उसको मैनिटी लीव आराम से मिल जाती है, वो जब तब आए तो लगती है। लेकिन जो जिया और रिद्धि थे, ये लोग तो कॉलेज ऑफिस भी जाते थे, मतलब कॉलेज जाते थे, वहाँ पे पढ़ाते थे, और दोनों मिलते भी थे, और दोनों को अब ऐसा रहता था कि फैमिली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, दोनों ऐसे टाइम नहीं होता था, जैसे टाइम होता था दोनों अपनी अपनी वाइफों के पास भागते थे क्योंकि उनका ख्याल रखना था। ऐसे हंसते खिलखिलाते हुए 7वां मंथ आ जाता है, जब 7th मंथ आता है तो 7th मंथ में बेबी शावर होता है, तो बेबी शावर को भी बहुत धूमधाम से किया जाता है, दोनों का मतलब एक हॉल लिया जाता है और हॉल में बेबी का लिया जाता है, जहाँ पे रिद्धि बैठती, रिद्धि और कायरा बैठते हैं, वहाँ पे जिया और रश्मि बैठते, और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट्स वगैरह, हर एक चीज़ की ध्यान रखा जाता है।
जिसमें रिद्धि तो बहुत सपोर्टिंग पार्टनर्स थी, क्योंकि वो पहले से ही उसका नेचर है कि केयरिंग वगैरह हर एक चीज़ का। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग ये था कि जिया ने जिस तरीके से रश्मि को प्यार दिया था वो काबिले तारीफ था। तो हम हमेशा से फैमिली पूरा टाइम रहता है, और अब जो जिया रहती है वो अपनी मतलब जो रश्मि है वो अपनी मॉम के घर चली जाती है। 7 मंथ के बाद रश्मि अपने घर पे रहती है, मतलब अपनी मॉम के घर पे रहती है, क्योंकि हम बीइंग मतलब एक औरत को सबसे ज़्यादा अगर कोई समझ सकता है तो वो उसको उसकी माँ समझी रहती है। अगर आप खुद भी माँ बन रहे हो, लेकिन अगर आप माँ बन रहे हो, तो आपको भी अपने पार्टनर से ज़्यादा अपनी मॉम की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपकी मॉम उस समय कितने प्यार से आपको हैंडल करती है ना, उतने प्यार से कोई भी हैंडल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। चाहे वो आपके डैड हो, चाहे वो आपका खुद का मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर हो, वो भी इतना हैंडल नहीं कर सकती। जो प्यार केयर आपको आपकी माँ के पास से ये होती है, वो कोई और नहीं दे सकता। तो इसलिए रश्मि अपने मॉम के घर पे रहती है। 7 से 9 मंथ्स तक वो 2 महीने अपने मॉम के पास ही रहती है, और जिसमें जिया को आना जाना लगा ही रहता है। और यहाँ पर तो अंजना आंटी के पास तो पहले से ही कायरा रह रही थी। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, और जानेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।